जो लास्ट क्लास आपको हम मैक्सिमम बताए थे जो कि स्पीड स्किड अप हुआ था, अगर केस नंबर टू की बात करें, केस नंबर टू इफ बी लेस देन रूट अंडर आर जी टैन थीटा, याद आ रहा होगा आपको लास्ट क्लास, v का वैल्यू अगर आर जी टैन थीटा से कम है, लेस देन आर जी टैन थीटा है, तो उस केस के लिए क्या करेंगे? ये मान लीजिए इसमें आपका स्लिप डाउन होगा, इसमें लिखेंगे व्हीकल विल स्लिप डाउन द रोड देन द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टार्ट एक्टिंग अप द रोड। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर क्यों से ये नीचे क्यों भागना चाहेगा, स्लिप डाउन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर की ओर एफ, बाकी फोर्स तो आपको पता है, इसका वेट लगता है एम जी, नॉर्मल फोर्स लगता है एन, है ना, और ये इधर साइड इसका कहीं ना कहीं सेंटर है ओ, जिसका रेडियस है आर, और ये एंगल एंगल ऑफ बैंकिंग है थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग इज थीटा। इनके दो कंपोनेंट टूटेंगे, इनके दो कंपोनेंट, कंपोनेंट तो होना बहुत आसान है, पहले हम एंगल खोजते हैं, जैसे ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला भी 60, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, दिस वन इज 90 माइनस थीटा, तो ये वाला अगेन बन जाएगा थीटा, यानी ये थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा, बिल्कुल। एन का इधर कंपोनेंट टूटेगा एन कॉस थीटा, इधर थीटा होता है उधर हम लोग कॉस लगाते हैं, और इधर कंपोनेंट टूटेगा एन ऑफ व्हाट साइन थीटा। आज बेसिकली वो न्यूमेरिकल सीखेंगे बनाना, मैं सर्कुलर मोशन पे, लेकिन पहले इसको निपटा लें, आज आसान से थोड़े से टेढ़े न्यूमेरिकल की ओर जाएंगे, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, एन ऑफ साइन थीटा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट टूटेंगे, अगर आप समझ पा रहे हो और यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचते हो तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, होगा ना, इधर टूटेगा एफ कॉस थीटा, तो ठीक परपेंडिकुलर यानी ऊपर की ओर, यानी ऊपर की ओर क्या टूटेगा वो देखते हैं हम लोग, इधर की ओर जस्ट ऊपर की ओर एफ साइन थीटा। तो जितने लोगों ने भी होमवर्क बनाया है वो एक बार चेक कर लेंगे इसको, कोई कहीं मेहनत तो है नहीं, ठीक है, सेंटर इधर है, इस बार ऊपर के ये दो फोर्स मिलके इस फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, ऊपर के ये दो फोर्स मिलके इस फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब ये कि एफ साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा ये दोनों मिलके एम जी को बैलेंस कर रहा है, एम जी। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला जब नए बच्चे सर्कुलर न्यूटन लॉ पढ़ोगे उसके बाद फ्रिक्शन आएगा तो उसमें आपको ये फॉर्मूला पता चलेगा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, म्यू टाइम्स नॉर्मल, तो फ्रिक्शन का वैल्यू अगर यहाँ आप लिखोगे म्यू टाइम्स नॉर्मल साइन थीटा प्लस नॉर्मल ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से एम कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो एन इज इक्वल टू एम जी के डिवाइड में चला जाएगा कौन, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हम डायरेक्ट एक स्टेप पूरा दिए, सीधे इनका वैल्यू लिख दिया, आया समझ में, एक स्टेप में आप नॉर्मल कॉमन निकालते तो बचता म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वो दिख रहा है ये नॉर्मल चीज, कहीं कोई दिक्कत, देख लीजिए एम जी बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नॉर्मल था। इक्वेशन नंबर वन, आप सुनो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है एन साइन थीटा और सेंटर के जस्ट अपोजिट लग रहा है एफ कॉस थीटा, तो नेट फोर्स लिखेंगे हम लोग एन साइन थीटा, हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स में सेंटर की ओर जो फोर्स रहेगा उसी को प्लस मानिएगा क्योंकि एक्सेलरेशन उसके अलावा ले रहे हैं हम लोग, तभी वो सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है। आप बोल सकते थे कि ये माइनस ये क्यों नहीं लिखे, इसी को प्लस, तो हम बता दें सेंटर की ओर वाला फोर्स को ही बड़ा मानेंगे तभी तो वो ट्रैक में है ना, ट्रैक से हटा नहीं है, तो नेट फोर्स में दिस माइनस दिस, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में तो प्लस करते एन साइन थीटा माइनस एफ ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम भी, यहाँ पे मिनिमम होगा बाय में आर, अभी मैक्स का केस नहीं, मिनिमम को डिस्कस कर रहे हैं, कम से कम कितना चला है। मोहंती जी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप मैसेज कर दें, हम देख लेंगे।
हाँ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एन साइन थीटा माइनस एफ कॉट थीटा इज इक्वल टू एम बी मिनिमम का स्क्वायर बाय में आर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। हाँ मोहंती साहब ने मैसेज कर दिया, भाई मोहंती साहब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रूफ अलग से आपको नहीं पढ़ा मोहंती जी, इसके जस्ट बाद हम उसका न्यूमेरिकल पे आएंगे, उसी में नॉन यूनिफॉर्म भी बता देंगे, चिंता नहीं करना। फिर सेंट्रीफ्यूगल सबका सीक्वेंस होगा, हो जाएगा, घबरा नहीं है मोहंती जी। कभी कभी कुछ पढ़ा हुआ भी पढ़ लेता है आदमी, उसमें क्या है, अगर पढ़ा हुआ है तो भी सबको एक समान लेके चलना, हम लोग 60 बच्चे हो तो सबको देखना होगा। एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा एन बी मिनिमम का स्क्वायर बाय आर, एन कॉमन साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू टाइम्स नॉर्मल, तो नॉर्मल तो हम कॉमन निकाल दिए, यहाँ पे लिखते ना म्यू टाइम्स नॉर्मल, तो नॉर्मल तो हम लोग कॉमन निकाल दिए। देख लीजिए एक बार सारा स्टेप, देखिए कहीं कोई दिक्कत ना, प्लीज ओके आगे देखिएगा। एन कॉमन निकला साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी मिनिमम का स्क्वायर बाय में आर, याद करिए इनका वैल्यू, ये वाला पुट करना है आपको, ये वाला एम जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी मिनिमम का स्क्वायर डिवाइड में आर, और कुछ छूट रहा है शायद, देख लो कहीं पे एन का वैल्यू नहीं पुट किया, एन का पूरा वैल्यू है ये वाला नीचे का, तब छूट गया। mg के डिवाइड में कितना था, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आप देख लिए हमने क्या किया, n का ये वाला वैल्यू आप पुट किया n के जगह पे और कुछ नहीं। v मिनिमम का वैल्यू कितना आएगा, v मिनिमम का स्क्वायर v मिनिमम r into g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, पिछला दिन जो किए थे ये रूट में हो जाएगा v मिनिमम का वैल्यू। तो देखो v max का वैल्यू भी पता था, v minimum भी पता था, इसको आप ऊपर नीचे चाहे तो cos से डिवाइड कर सकते हो, हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आप ब्रेन लगाओगे और समझोगे हर कॉन्सेप्ट को, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल को बनाने के लिए एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। फिलहाल यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में बदलता है, एक्सेलरेशन का दो वैल्यू होता है, वन इज योर सेंट्रिपिटल एंड अदर इज योर टेंजेंशियल, तो अनदर जो टेंजेंशियल होता है वो सब क्या होता है हम बात करेंगे अभी नॉन यूनिफॉर्म के बारे में अलग से। फिलहाल यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया है, आप चाहे तो आप लोग होमवर्क बना चुके हैं कई लोग, इसलिए इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। हम इसका फोटो आपको इसलिए भेज दे रहे, कई लोग का मैसेज हमको आया था कि भैया आप जो होमवर्क दिए वो नहीं बन रहा है और इसलिए हमको बनाना पड़ा, यानी तो हम इसको अभी नहीं बनाते, लेकिन कई लोगों का मैसेज आ गया था, हमको उनके मैसेज के अगेंस्ट तो जाना नहीं था, काम तो करना है आपके हिसाब से, चलिए चला जाइए। इसमें कोई डाउट हो तो आप अलग से भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। एक बात तय है, सर्कुलर मोशन में हमेशा ये ध्यान रखिएगा सेंटर की ओर कोई ना कोई फोर्स होना ही चाहिए। तो सीधे न्यूमेरिकल पे हम जाते हैं तो होता क्या है कि सर्कुलर मोशन के अधिकांश न्यूमेरिकल आपको एक ही पैटर्न के दिखेंगे, तो कुछ पैटर्न यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्मल टाइप पे, और सवाल भी हम लोग अलग से देखेंगे, तो उन पैटर्न्स को आप पहले सीखिए, ठीक है। देखिएगा
ये हम मिटा रहे हैं इसमें, ये लास्ट क्लास का होमवर्क था, तो लास्ट क्लास अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो उनके समझ से बाहर का चीज होगा, वो भूल जाएंगे इसको। वेक्टर जितना भी जो पढ़ा हुआ ठीक है, अब वो रिटर्न्स लॉ का वीडियो देख लेगा, और आज रात से हो सके तो हम आपको यूनिट एंड डायमेंशन, कई बच्चों का एग्जाम हो रहा है, लेट से ज्वाइन किए हैं, तो आज रात को यूनिट एंड डायमेंशन हम पूरा जल्दी जल्दी में बताएंगे। नए बच्चों पुराने बच्चे हो जो चाहे ज्वाइन करेंगे, हम आज या कल जब भी भेजेंगे आज ही कल में बताना है हमको। यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, एरर एंड मेजरमेंट हो गया, इन सब का वीडियो उसमें नहीं डाला है हम, तो ये सब अलग से बताएंगे। जैसे आज इसके बाद भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगा, मतलब दो मीटिंग ये होगा, इंटीग्रेशन बता चुके हैं, तो एक्स्ट्रा क्लास आज नहीं होगा उसका। अब जो एक्स्ट्रा क्लास होगा रात में, नेटवर्क ठीक रहा तो वही पैड वाला क्लास होगा, जिसमें कि पीछे के चैप्टर्स को बताएंगे, कुछ कुछ सिखाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कुछ अलग अलग पैटर्न या अलग अलग केसेस के ऊपर। देखो पारा, अगर मान लो ये कोई पत्थर है, रस्सी है, यहाँ से रस्सी में पत्थर बांधते हैं, ये पत्थर दिख रहा है पत्थर, और ये पत्थर आप गोल गोल घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे गोल गोल, तो यहाँ पे आप कुछ ज्यादा ही बड़ा हम बना दिए लगता है, छोटा छोटा बना लेते हैं सर्कल, ज्यादा बड़ा सर्कल है क्या कहते हैं, यहाँ पे वो पत्थर है जिसका मास एम है और ढाई की लंबाई दी हुई है एल। अगर ढाई की लंबाई आपको पता है एल, तो रेडियस भी तो एल ही हो गया, और इसका वेट, वेट लगेगा एमजी। देखिए धागे में जब वेट लगता है तो धागा तनाव होता है, उसमें टेंशन डेवलप होता है, धागे में भी एक फोर्स पैदा होता है, धागे को आप नीचे खींचेंगे तो धागा आपके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जो न्यूटन्स लॉ पढ़े वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जो पहली बार सुन रहे हैं वो जान लें कि हर धागे के अंदर भी एक फोर्स होता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं टेंशन, ठीक है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं टेंशन। संस्कार ने क्या मैसेज किया भाई, आज का क्लास का टाइमिंग संस्कार, वो एक्स्ट्रा क्लास रात में देखेंगे, 7-8 बजे मन किया तो हम क्लास लगाएंगे, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट करता है, वो एक्स्ट्रा क्लास है, किसी का उस समय कोई और चीज रहे तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज कोई एक्स्ट्रा 4:30 वाला बैच, 4 बजे का बैच आज नहीं है, ठीक है। ये देखिए इसका वेट, इसमें टेंशन लगता है टी, ये सेंटर है ओ, यहाँ पे दो ही फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर एमजी वेट, ऊपर की ओर टेंशन टी। तो हम सब जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv2 r, तो आप खुद सोचिए सेंटर के लाइन में यहाँ दो फोर्स लग रहा है, सेंटर के लॉन्ग, एक लग रहा है सेंटर के लॉन्ग t और एक लग रहा है सेंटर के अपोजिट mg, तो नेट फोर्स में अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करना पड़ेगा, तो किसको प्लस लेंगे, हमेशा सेंटर वाले साइड को प्लस लेंगे, तो नेट फोर्स आप लिखोगे t माइनस mg इक्वल टू mv2 r। यहाँ से आप चाहो तो टेंशन आर की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ढाई की लंबाई है रेडियस ना, mv2 / l, तो t इक्वल टू m कॉमन g प्लस v2 / l, ऐसे एक टेंशन का वैल्यू निकाल दीजिए। ये पॉइंट का नाम अगर a देते हैं तो टेंशन है a, mg में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हुआ, तो a पॉइंट पे आपको ये टेंशन शो कर रहा है, ठीक है। मेरा बैंडविड्थ लो बता रहा है आज, ओके ओके, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, अभी हम कुछ बोलेंगे ही नहीं कुछ देर, और बताओ क्या हाल चाल है, जिसको बैंडविड्थ ठीक बता रहा है, हम बोलेंगे ही नहीं कुछ देर, रुकेंगे हम, ठीक है। एक तो मेरा चेहरा अजीब हो गया है ना, तुम लोग यही बोलोगे बार बार में, हम रुके हुए हैं। विशाल कुमार, आप भी यही बोलना चाह रहे होंगे कि मैं बैंडविड्थ लो दिखा रहा है, आवाज कट रहा है और नेटवर्क सही नहीं है, ठीक है, हम समझ गए, कोशिश करते हैं नेटवर्क चेंज करने का, और बताइए कि बैंडविड्थ ठीक हुआ या नहीं। जियो फाई का नेट ऑन ऑफ करना पड़ेगा हमको, अनुराग मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, ओके, वीडियो थोड़ा ब्लर है, ठीक है, नेटवर्क के ठीक होने का हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा, हम अभी फोन से कनेक्ट कर रहे हैं अपने वाईफाई को, अब आप हमको बताएंगे, अभी हमने बदला है फोन के नेट पे आए हैं, थोड़ा सा रुक जाते 2 मिनट, और ये बताइए
कि अभी आपको आवाज या नेटवर्क अब पहले से बेटर है, अभी भी बैंडविड्थ लो बता रहा है, अभी भी बैंडविड्थ लो बता रहा है, तब तक हम नेट इसको ऑफ कर दें। और इस बार आपका ये पत्थर यहाँ आ गया यहाँ, और ये एंगल आपका हो गया है थीटा। पत्थर घुमा रहे तो कभी ना कभी तो वहां आएगा, एंगल बन गया थीटा। तो इस समय टेंशन 3 लगेगा इधर साइड, टेंशन तो हमेशा धारे में लगेगा ना, यहाँ पे है धारा, ये है धारा, टेंशन 3 यहाँ, और एमजी वेट सीधे, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है। तो अभी सेंटर धारा का लंबाई तो आप जान ही रहे, सेंटर की ओर आप देखो बॉस, अगर ये थीटा है तो सीधा लाइन जाएगा, तो ये भी तो थीटा ही रहेगा ना, पैरेलल लाइन थीटा एंगल। एमजी का दो कंपोनेंट टूटेगा, इधर टूटेगा एमजी ऑफ कॉस थीटा, और इधर टूटेगा एमजी ऑफ साइन थीटा, इधर टूटेगा एमजी ऑफ साइन थीटा। किनका किनका मैसेज आ रहा है देख पा रहे हैं, वैसे देख लेंगे भी क्या है आपका मैसेज में। तो एमजी ऑफ कॉस थीटा और एमजी ऑफ साइन थीटा, घर ही मेरा ऑफ है। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी है, इस लाइन में, इस लाइन में दो ही फोर्स लग रहा है, सेंटर की ओर लग रहा है टेंशन, और सेंटर के अपोजिट लग रहा है एमजी कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एम वी स्क्वायर बाय आर। सेंटर की ओर दो फोर्स है, सेंटर के वाले को पॉजिटिव दिखेंगे, टी इस पॉइंट का नाम हम देते हैं बी, वही धागा है लेकिन हर जगह टेंशन बदलते जाएगा। टी एट बी, टेंशन एट पॉइंट बी, माइनस टी के जस्ट अपोजिट कौन सा फोर्स है, mg cos थीटा इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाय लेंथ l है रेडियस। तो टेंशन एट पॉइंट b इज इक्वल टू m कॉमन भी ले ले तो b स्क्वायर बाय, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, g cos थीटा प्लस b स्क्वायर बाय l। तो टेंशन का वैल्यू यहां पे g था cos थीटा, यहां पे cos 0 1 होता है, यहां पे g था, यहां पे g cos थीटा है, कोई भी वैल्यू कॉस का इससे छोटा ही होगा, तो कॉस का सबसे बड़ा वैल्यू वन होता है, यानी अब जो वैल्यू है ये वाला जी कॉस थीटा इस जी से छोटा ही होगा। इसका मतलब ये है कि टेंशन अब कम होता जाएगा धीरे धीरे। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अब आपका जो है ये पत्थर धीरे धीरे कहां पहुंचा, बहुत ध्यान समझिएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और ये चीज आपको ध्यान देना होगा। केस नंबर 5 तक जाएंगे हम, जैसे मान लो अभी आप यहाँ पे हो, अभी आपने ये स्पेस पाया यहाँ पे आप, ठीक है, दिख रहा है डायग्राम था, और इधर बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना। सर्कुलर ट्रैक ये है, ये रस्सी घूमते घूमते आपका ये सेंटर था, अब कभी ना कभी तो आप यहाँ गए होंगे आधे से ऊपर, टेंशन तो टी इधर लग ही रहा है, टेंशन टी इधर लग रहा है, दिख रहा है आपको टेंशन टी। इस बार इसका वेट एम जी डाउनवर्ड, इस बार आपका एंगल थीटा अगर आप किधर से लेते हो, ये वाला एंगल अगर थीटा लेते हो तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, दिख रहा है आपको टेंशन टी इधर लग ही रहा है। इस बार टेंशन अब थीटा ऊपर से ले रहा है एंगल, एम जी का दो कंपोनेंट, इधर क्या टूटेगा इधर साइड सेंटर की ओर, बगल से बना दिए हमारा तिरछा करके, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन अजीब दिख रहा था, इधर टूटेगा एम जी कॉस थीटा और इधर टूटेगा एम जी साइन थीटा। तो सेंटर की ओर इस बार देखो, जब तक यहाँ 90 डिग्री के पार किया था, 90 डिग्री से पहले में टी माइनस हुआ था, आप देखो ये टी और ये दोनों एरो एक ही ओर है, दोनों सेंटर की ओर लग रहा है पॉइंट सी पे, वेलोसिटी जाएगा टेंजेंशियल इधर, लेकिन ये आपका दोनों ही सेंटर की ओर लग रहा है। तो इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंटर की ओर दो फोर्स टेंशन एट सी प्लस एम जी कॉस थीटा, दिख रहा है आपको, ये आपको टेंशन एट सी। तो गौर करो अभी तक टेंशन का वैल्यू जैसे बदल रहा था, अब तो टेंशन और कम हो जाएगा इसमें से माइनस, अभी तक तो कम से कम ऐड हो रहा था, ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, टेंशन और कम हो जाएगा। हो सकता है कि ये वाला वैल्यू से ये वाला वैल्यू इक्वल हो जाए तो दोनों कट जाएगा, तो टेंशन जीरो हो जाएगा, टेंशन जीरो जाएगा तो धागा लूज कर देगा, आपका पत्थर जो है ऐसे घुमा दे चक्कर भी पूरा नहीं कर पाएगा, वहीं पे लूज हो गया। तो ये चीजों को अभी हम लोग देखेंगे केस नंबर 3। अब नंबर केस 4, न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, आपको न्यूमेरिकल सर इससे कैसे आता है आएगा उसको बनाने के लिए छोटे छोटे ट्रिक जा रहे हैं। कोनिकल पेंडुलम का कुछ सवाल आएगा, यानी कुछ वर्टिकल, ये वर्टिकल है, कुछ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन आएगा, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है,
वही रस्सी से आप ऐसे से घुमाइएगा तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। उसकी बात करेंगे हम लोग, पहले ये तीनों को बनाइए, खुद से बनाइए। हाँ पिक तो हम ले ही लेंगे, पिक बोर्ड का लेके भेज दे रहे हैं तुरंत मेघा, और रिकॉर्ड भी कर दे रहे हैं हम। आज नेटवर्क इतना इश्यू दे रहा है तो हमको, हम पहले ही बोले थे आज क्लास से पहले कि आज मौसम ठीक नहीं है, और मौसम ठीक नहीं रहता है तो नेटवर्क हो सकता है आपका भी नेटवर्क, आप लोग का भी नेटवर्क चेक करते रहिएगा भाई, हम ही को बदनाम मत कीजिएगा हमेशा, हम आपके लिए पूरी तरह से लगे भिड़े हुए हैं। देखिए फोटोज अभी आपको हम भेजे हैं, इन फोटोज को देखिए, और ये मीटिंग एंड होगा तो फिर से सेम आईडी पासवर्ड से आप जो बात करते हैं हाईएस्ट पॉइंट का, तो यहाँ कौन कौन सा फोर्ट लगा है, एक इसका वेट भी नीचे और टेंशन भी नीचे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंटर की ओर टी एच प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, जो भी होगा हम बी एच लिख रहे हैं अभी, बाय रेडियस एल, तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू एम कॉमन, तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर बाय एल माइनस में जी। तो ये कुछ कुछ अलग अलग डिफरेंट केसेस है। केस नंबर फोर में तो हम इस तरह से पूरा एक पार्ट देख लिया, अगर डाउन में रहे किसी एंगल पे रहे या हाईएस्ट पॉइंट पे रहे, ठीक है, तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का वैल्यू ये आया। अब इसी में आपको ये तो था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अभी सवाल हमने भी नहीं देखे हैं मेकर, थ्योरी ही समझा के हमसे कह रहे हैं। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के ऊपर, अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल, अभी आपको ये भेज दे रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के ऊपर, टीचर को कितना काम हो गया, पढ़ाओ भी समझाओ भी फोटो खींच के भी भेजो, नेटवर्क भी खोजते रहो, बाप रे बाप, वो पता होता कि ऐसा जीवन कष्टदायी होने वाला है भविष्य में, तो कहीं ना कहीं नौकरी वोकरी हम करिए ले रहा था, सब दोस्त लोग कहीं कहीं चला गया, बहुत कष्टदायी जीवन है, पैसा का लालच हम इसे फंस गए, ऐसा तुमको लग रहा होगा, इसका भी अलग ही मजा है, लेकिन आप फ्यूचर मत सोचिए कि आप भी कोचिंग चलाएं या करें, ये अच्छा ठीक ज्यादा कमाई इसमें थोड़ी है, साल का तो 3 करोड़ क्या करोगे इतना पैसा, बड़ा कोचिंग का पता है हमारा, बड़े कोचिंग का पता है। नौकरी करो, नौकरी अच्छा है, कम से कम टेंशन तो नहीं है नेटवर्क खोजने का और क्या क्या सवाल फोटो खींच के भेजने का, आपका दो को बात सुनने का, चलिए ध्यान दीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, अभी हम लोग बात कर लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर, हम लोग बात करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ये देखो आपका जो रस्सी है असल में ये थोड़ा अगर टेंट जैसा दिख रहा हो, आपका जो रस्सी है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, दिख रहा है, तो रस्सी वही है, अभी तीन रस्सी नहीं है, रस्सी एक ही है, ऐसे से घूम रहा है, तो पिछला हॉरिजॉन्टल में क्या था, वर्टिकल में क्या था, जो रस्सी का लेंथ था उतना ही रेडियस था, लेकिन अब जो ये ऐसे घूम रहा है रेडियस कुछ और रहेगा, ये वाला रेडियस हो जाएगा, मान लो यहाँ पे पत्थर आता अभी, तो उसका सर्कुलर रेडियस ये हो गया, ये इसका लेंथ हो गया, ढाई की लंबाई को एल से दिखा रहे हैं, इस बार एल अलग है, और कह रहे हैं आप इस बार एल अलग है, ये वाला एंगल मान लो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, वर्टिकल लाइन से एंगल थीटा बन रहा है, इसका वेट लगेगा एम जी, टेंशन ढाई का टेंशन आएगा टी, ढाई का टेंशन आएगा टी, ऑब्वियसली बात है, इस बार अगर आप गौर करोगे तो ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो इस बार इधर क्यों टूटेगा टी कॉस थीटा, तो इधर क्यों टूटेगा टी साइन थीटा, देख रहे हैं न्यूमेरिकल में क्या देगा क्या देगा, तो बात की बात है, अभी तो हम बेसिक आपको डायग्राम बनाना सिखा रहे हैं, टी कॉस थीटा और यहाँ साइन क्या होता है बताइए, टी साइन थीटा, देख रहा है टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, तो ये नहीं दिख रहा है, एक ऐसे ही ब्लर, कई लोगों का नेटवर्क खराब रहता है, ठीक है, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा एम जी को, और सेंटर की ओर, ये सेंटर इस बार, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन हो जाएगा इस बार, टी साइन थीटा, उधर कोई नहीं है जो घटे उससे, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय रेडियस आर, इक्वेशन नंबर 2 है ना, अगर हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर बाय में एम जी,
कैंसल साइन बाय कॉस टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, और टैन थीटा क्या होता है जरा बताइए, परपेंडिकुलर बाय बेस। आपको ये पता नहीं पता वो न्यूमेरिकल में देखा जाएगा, टैन थीटा कैसे निकलेगा वो न्यूमेरिकल की बात होगी, न्यूमेरिकल में वो जान लेंगे। फिलहाल नॉर्मल केस में आपको इसको कैसे बनाना है वो समझिएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाने के बाद, ये केस करने के बाद, अब हम लोग अगले मीटिंग में जुड़ते हैं क्योंकि ये मीटिंग एक मिनट में खत्म हो जाएगा। इसको देख लीजिए और कोई भी डाउट हो तो हमको भेजिए। और अब आपको न्यूमेरिकल दे रहे हैं तो आपके पास एच सी वर्मा होगा, उसी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल, अभी नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं की है हम लोग और सेंट्रीफ्यूगल की बात नहीं की है, अभी नॉर्मल न्यूमेरिकल बनाना है। तो पहला न्यूमेरिकल आज का आपको दिखवा रहे हैं। ठीक है, हम फोटो खींच के भेज रहे हैं अभी, ये सब आपको इसलिए बना के भेजे ताकि आप बेसिक सवालों पे अच्छा कर सके और कुछ नहीं। ओके, जुड़िए अगले क्लास में, इसको एंड कर रहे हैं।